खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर तीन तलाक का मामला सामने आया है। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद भी तीन तलाक जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली पीड़ित महिला शमा ने सियाना कोतवाली में तहरीर देकर दहेज में मांग पूरी न होने पर पति द्वारा तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। शमा की शादी 2 वर्ष पूर्व बुलंदशहर के मोहल्ला साठा निवासी अफजल से हुई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि जब से शादी हुई है पति, सास, ननद और देवर शादी में दहेज की मांग कर रहे थे। सर, सियाना कोतवाली क्षेत्र से तीन तलाक की घटना सामने आई है, क्या मामला, किस प्रकार की अभी तक कार्रवाई? एक तीन तलाक का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित द्वारा लिखित तहरीर देने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपकी ननद को तीन तलाक दिया, क्या वजह रही तीन तलाक देने की? हमें इसे रखना नहीं है। अच्छा, ये कब से चल रहा था पूरा झगड़ा? ये तो 2 साल हो गए। क्या क्या डिमांड करते थे जिसको वो मारते थे, पीटते थे, अनु कहते थे हमें सोने की अंगूठी चाहिए, प्लेट चाहिए। अच्छा, चैन चाहिए। कब दिया था तीन तलाक? परसों जुमे के दिन आके हर लड़के को बाहर छीन लगे, कह लगे हमें तुझे नहीं रखना, हमें तो लड़के को रखना, और गया था तीन तलाक दे के चले गए। कोई मुकदमा दर्ज कराया? कर रहे हैं, करवाया। क्या पुलिस कह रही है अभी तक? अब पुलिस कह रही है करेंगे, कार्रवाई कर रही है। तीन तलाक हुआ आपकी बेटी को, क्या मामला? तीन तलाक हुआ हमारी बेटी को, तो जो लड़के को खींच रहा था तो वो लड़की ने मना कर दिया, तो उस पर मारपीट कर दी, मारपीट करके और जो तीन तलाक करके और चला गया। अच्छा, शादी कहाँ पर हुई थी? बुलंदशहर। अच्छा, कौन कौन लोग आए थे यहाँ? यहाँ ऐसी भीड़ जुड़ रही थी, यहाँ उनके साथ कौन कौन आए थे? दो भैया आए बड़े बड़े। अच्छा, क्या कहते थे लड़की को? वो कह रहे थे मैं तुझे लाने नहीं आया, मैं तो अपने लड़के को लेने के लिए आया। अच्छा, क्या मांगते थे लड़की से? लड़की से मांगते 1 लाख रुपया ला कर दे और दहेज मांग रहे हैं और वो प्लॉट मांग रहे हैं। अच्छा, तुमने कोई प्रार्थना पत्र दिया पुलिस में? पुलिस में कोई प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, दिया है। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ? क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कार्रवाई नहीं हुई। अपने सियाना कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया तीन तलाक का, क्या है मामला बताइए। मामला क्या नाम है, वहाँ यहाँ जाके बाहर जाके तीन तलाक दे दिया जाके बाहर है। अच्छा, उसके बाद कह लगे मैं तुझे लेने नहीं आया, मैं लड़के को लेना आया हूँ। उसके बाद तीन तलाक दे कर चला गया मोटरसाइकिल। अच्छा, सियाना में कोई FIR दर्ज कराई? हाँ जी। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है पकड़ के ले आऊंगी। अच्छा, ये कब से चल रहा था आपके बीच? ये 2 साल से, अभी कल वो करा मुकदमा था। अच्छा, वैसे 2 साल से मैं अपने घर पे हूँ। अच्छा, क्या मांगते थे आपसे? दहेज मांगते थे कि मुझे दहेज चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, सोने की चैन चाहिए और घर में 1 लाख रुपया चाहिए मुझे, या तो अपने घर जाओ। कौन कौन लोग परेशान करते थे? सास, नंद, देवर, जेठ सारे परेशान करते थे मुझे, धक्के मार मार के निकालते थे घर से, तू जा यहाँ से, अपने घर से इतना इतना सामान लेकर, दहेज लेकर आ मालनी है जो हम तुझे रखेंगे। बताओ, मेरे बाप गरीब है, इतना इतना कुछ करना पाने का तो कहाँ से देंगे इतना दहेज, इतना कुछ सब कुछ कहाँ से करेंगे।